गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैं हूँ शंकर नगर में। तो यहाँ पे भैया का घर का जो दीवार है उसका प्लास्टर का काम चल रहा है अपने बंदे लोग का। और अपने बंदे लोगों ने एक गड़बड़ कर दिया था कि भैया का दीवार में आड़ी छेदा करते करते ना 4 इंची दीवार को ना पूरा छेद ही कर दिया। तो उस तरफ उनके डक्ट के तरफ में भी खुल गया है वो, तो उसको भी गिट्टी डाल के भर्ती करना पड़ेगा। और हाँ, आज है 5 तारीख, 5 सितंबर। तो सारे टीचर्स लोगों के लिए हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन सबको मैं हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहूँगा। उन्हीं की वजह से तो हम सब तो इधर है, आज इतने पढ़े लिखे हुए दिख रहे हैं, है ना, और काम कर रहे हैं सब चीज़ें। तो उन सब टीचर्स के लिए मेरे तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और अभी हमारे बंदे लोग जो है ना ये वाला काम जो है ना कम्प्लीट कर रहे हैं, तो आज इसको हम लोगों को कम्प्लीट करना है पूरा। और इसके बाद जो है ना हम जो यहाँ से ये जो भाड़ा सब खुलवा के शिजू भैया वाला जो साइट है अपना, प्रियदर्शनी नगर वाला साइट है, वहाँ पे भेजेंगे। और इनका भी काम जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को भी कॉलम खड़ा करना है। तो ये जो दूसरे प्लॉट वाले जो है ना उन लोग भी अपना काम को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो लोग जो है यहाँ पे आज गिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास आज का टाइम है ये जो प्लास्टर है इसको उतारने के लिए। और वैसे तो कोई फिनिशिंग चाहिए नहीं हमें, क्योंकि ये लोग जो जोड़ाई जो है ना इतना मोटा मोटा कर रहा है, तो इस वजह से क्या हमें फिनिशिंग की नहीं, हमें सिर्फ एक प्लास्टर की ज़रूरत है उसमें। तो एक नॉर्मल प्लास्टर हम जो है ना करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैं अमलेडी वाला साइट में आ गया हूँ, और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है करके। और यहाँ पे मैं एक अपना ट्रेडर वाले भैया का भी वेट कर रहा हूँ। जैसे वो भैया आ जाते हैं उनसे मिलने के बाद जो है ना मैं निकलूँगा संतोषी नगर वाला जो दुकान है वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है करके। चलो अंदर चलते हैं। अभी आप ये जो देख रहे हो ना ये है DPC, ये 4 इंची दीवार पे किया जाता है ताकि जो दीवार है ना उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इससे किसी जो डालता है ये 4 इंची दीवार का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि 4 इंची दीवार अगर पूरा 9 इंची की तरह अगर ऊपर जाते हैं ना तो उसमें जो है ना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, वो गिर जाता है। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग जो है ना DPC डालते हैं ऐसा। तो ये है DPC का काम, ये जो आप देख रहे हो ना ये DPC है, ये पूरा जो आप देख रहे हो 4 इंची दीवार में, जितना भी आप 4 इंची दीवार देख रहे हो ना ये सब में DPC आप देख रहे हो, ठीक है। देखो इतना मोटा 3 इंची DPC डाला जाता है, उधर पे भी डाल दिया, जितना भी दीवार है सब में डाल दिया। अब देखो ये वाला जो 4 इंची दीवार देख रहे हो ना, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ना कोई कॉलम नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, वो जो दीवार दिख रहा है ना उसके अंदर में हमने इसको रॉड को लेके चले गए और वहाँ ढलाई आगे बढ़ा दिया इसका, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जब आपके पास कॉलम कोई अवेलेबल नहीं रहेगा 4 इंची दीवार पे तब आप ऐसा करना, ये जो ढलाई है उसको और आगे बढ़ा दीजिए, है ना। और उसके बाद जो है ना उसके साथ में उसको इंटरलॉक कर सकते हैं वो 9 इंची दीवार के साथ में। तो ट्रेडर वाले भैया जिनसे मिलना था उनसे तो मैं मिल लिया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ संतोषी नगर और वहाँ से जो है सैंपल वगैरह ले लेता हूँ। हेलो भाई, वो सैंपल कुछ मार्बल्स का बात की। हाँ रोहित भैया, हाँ भैया, ये यहाँ पहुँच गया हूँ भवानी वाले में, एक बार बात कर लो ना। हाँ बात कर लो। हाँ ठीक, लेके जाऊँगा। हाँ पास क्या है, फिर फ्रेश पीस नहीं है, माल एकदम फ्रेश आएगा। ये पीस है, पुराना पीस है, अभी चलेगा। मैं पूछ लूँ एक बार जिनको, क्योंकि इंजीनियर को ला के देना है, एक बार फोटो भी भेज देता हूँ ना। हाँ क्योंकि एकदम फ्रेश पीस यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, फैक्ट्री में है, मैं फैक्ट्री जा नहीं पाया। अच्छा, तो सैंपल मैं अभी लेने के लिए आया था, वो अभी लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि भैया के पास भी जो सैंपल रखा वो फ्रेश पीस नहीं है। तो इसको जो है ना भैया शाम को हमको ला के देंगे। और इसमें क्या है, 2 ऑप्शन है, एक है शाइनिंग और एक नॉन शाइनिंग वाला। तो हम जो है ना शाइनिंग वाला मंगाएंगे, तो भैया जो है ना फैक्ट्री से इसको लाएंगे और उसके बाद जो है ना इसमें पॉलिशिंग वगैरह होके हमको मिलेगा सैंपल, फिर उसके बाद हम लोग क्लाइंट को पसंद करवाएंगे। तो इसलिए मेरे को क्या अभी नहीं मिलेगा ये, या तो मेरे को आज शाम को मिल जाएगा नहीं तो फिर मुझे ये कल सवेरे मिलेगा। तो मैं एक बार शाम को फ़ोन करके भैया से इन्फॉर्मेशन ले लूँगा कि आ गया कि नहीं करके। अगर आ गया होगा तो मैं शाम को आके कलेक्ट कर लूँगा यहाँ से ये पत्थर, नहीं तो फिर मैं कल मॉर्निंग में आऊँगा और इसको लेके चले जाऊँगा भैया के पास में, भैया फिर वहाँ पे दिखा देंगे। तो चलो अब चलते हैं हम लोग। तो गाड़ी का रेडिएटर क्लीन होके आ गया है, इसका टॉप भी जो है ना उसका कैप भी बदल दिया है। अब ये कैप एक बार ओपन करके देखूँगा क्योंकि मेरे से खुल नहीं रहा, तो मैं एक बार जो है ना भैया से खुलवा के चेक करूँगा। बाकी इन्होंने
इसमें फिलिंग करना बाकी होगा, रेडिएटर कूलेंट देख लेते हैं, बाकी तो इन्होंने ठीक कर दिया है। और एक केबल एक बार चेक करना पड़ेगा, और एक ये पाइप, ये वाला पाइप चेंज करना भैया। ये रेडिएटर खोल, इसको खोलो तो, ढक्कन को, ढक्कन खोलो ना एक बार। तो गाड़ी का तो अभी आधा काम ही हुआ है, अब और बचा हुआ है काम, ये सब चीज़ें एक बार में निपटाएंगे भैया, उसके बाद जो है ना मेरे को कॉल करूँगा बोल रहा है। तो रेडिएटर क्लीनिंग जो करवाना था वो काम हो चुका है, रेडिएटर क्लीन करके उसका नया कूलेंट वगैरह भी डल गया है, और उसमें जो कूलेंट जहाँ डालते हैं अपन, उसका कैप भी जो है ना वो भी नया लगा दिया है, और उसका जो टॉप एरिया है वो भी चेंज हो गया है। अब क्या थोड़ा रेडिएटर जो है ना काम अच्छे से करेगा, वरना क्या कूलिंग, अब कितने साल हो गया होगा मैं सिर्फ कूलेंट चेंज कर रहा था, अच्छे से एकदम जो हैवी क्लीनिंग होता है ना वो नहीं करवाया हूँ कभी, अभी हैवी क्लीनिंग करवाया हूँ। तो इसके बाद कम से कम क्या चलना चाहिए 2-4 साल आराम से, उसके बाद अपन जो है ना फिर कोई इसको, नहीं तो साल भर में तो मैं इसको ना फिर से एक बार ना क्लीनिंग करवा ही दूंगा, क्योंकि इतना धूल धक्कड़ तो यहाँ उड़ता ही है। तो चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। तो मैंने अभी गाड़ी का पीयूसी का काम करवा दिया हूँ, ये बाइक का पीयूसी ख़त्म हो गया है, कार का भी पीयूसी का काम बचा हुआ है, उसको भी करवाऊँगा जब वर्कशॉप से आ जाएगा ना, तो उसके बाद उसका भी काम करवाऊँगा। तो ये दोनों का हो जाएगा तो फिर अच्छा है, फिर क्या है पुलिस वालों का चक्कर नहीं रहेगा, पीयूसी कहाँ है, पीयूसी कहाँ है बोलते, इसलिए। तो अभी मैं गीतांजलि नगर वाला साइड में पहुंच गया हूं, और यहां पे अपने बंदे लोग जो है ना शिजु भैया वाला साइड के लिए माल लोड कर रहे हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है ये खुल चुका है, ये डिज़ाइन जो है ना खुल चुका है स्लैब का, खुला नहीं खुला है, पूरा नहीं खुला है, आधा ही खुला है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे छज्जा डला हुआ है लिंटल बीम के साथ में, और वो डिज़ाइन देखो खुलने के बाद कैसे दिख रहा है करके, है ना, वो भी पैक हो जाएगा, अब एक लेवल में आ जाएगा वो पूरा डिज़ाइन। और ये वाला छज्जा भी डल गया हमारा, तो आगे का छज्जा जो है ना अभी लंच के बाद जो है ना डालेंगे उसको, और वो लिंटल बीम भी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो लिफ्ट वाला पार्ट देख रहे हो, इसका लोहा जो है वो कंफर्म करना बाकी है, क्योंकि इसमें जो दिया था उससे ज़्यादा हैवी चाहिए बोल रहा है, तो उसके हिसाब से जो भी रहेगा उसके हिसाब से बताएंगे, तब हम लोग उसको डालेंगे। तो इन लोग अभी जो है ना यहाँ से मटेरियल लोड कर रहा है प्रियदर्शनी नगर वाला साइड के लिए, और इसको अभी वहाँ लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे भैया के घर में जो है ना हम लोगों ने प्लास्टर इतना एरिया कर दिया है, अब इसमें ना काला झिल्ली भी लगा दिया है, तो जब भैया लोग यहाँ का दीवार जोड़ाई करेंगे ना तो ये काला झिल्ली दोनों दीवार के बीच में रहेगा, तो यहाँ का पानी उस तरफ और उस तरफ का पानी इस तरफ, दोनों तरफ में नहीं आएगा, तो ऐसे ऊपर तक चला जाएगा ये पूरा। तो हमारा जो काम है ये यहाँ तक का तो कम्प्लीट हो गया, अभी नीचे में उतर जाएगा पूरा, फिर उसके बाद ये वाला कॉर्नर और वो वाला कॉर्नर को भी करना है, फिर यहाँ से लकड़ी फाटा सब भेजेंगे अपन दूसरे वाले साइड में अपना। तो चलो चलते हैं यहाँ से, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। एक दर्जन केला और 1 किलो एप्पल, सब मीठा वाला ही निकालना भैया, एक दर्जन केला और ये कीवी और एप्पल, और अदरक और नींबू नहीं था हमारे पास घर में, तो साथ में धनिया भी ले लिया। अब इससे सवेरे फ्रूट्स खा के जाऊंगा यार, सवेरे नाश्ता जो है ना थोड़ा डाइट वाला हो जाएगा मेरा। चलो ठीक है।